दोस्तों आज हम क्लच मोटर के बारे में बताते हैं। ये क्लच मोटर लगी हुई देखो, इसमें एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो ये झुक्की की क्लच मोटर है। अगर इस क्लच को खोलना होगा ना तो इसमें तीन स्क्रू, ये देखो तीन स्क्रू लगे होते हैं इस तरह टाइप। मैं आपको दिखाता हूँ, एक तो ये है और दो इसके आगे पीछे। तो बेल्ट को उतारना है और क्लच को सीधा निकाल लेना है, ये पैडल को डिस्कनेक्ट कर देना है बस। ये उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, बहुत ही आसान है चेंज करना। बस आप पूरी वीडियो देखते रहेंगे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बस आपको चेंज करना है वो चीज़ मैं आपको पूरा विस्तार से दिखाऊंगा। अब दोस्तों हमने क्लच को खोल लिया है, इससे सबसे पहले आपको पुल्ली का नट खोलना पड़ेगा। ये इसको खोल लेना है, फिर ये पुल्ली बाहर आ जाएगी, इसमें एक लॉक होगा, इसको खोल के आपको बाहर करना है सबसे पहले। तो चलिए हम पुल्ली को अब खोलते हैं, पहले नट को हम खोल देते हैं। देखो नट खोल दिया है। अब नट के बाद आपको पुल्ली बाहर निकालनी है। तो कभी कभार क्या होता है कि पुल्ली टाइट होती है, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रेशर से हल्का सा हल्का मारना पड़े, नहीं पुल्ली टूट भी सकती है। और ये देखो बाहर निकल गई। अब इसको अलग रख लेना है, इसमें एक पिन होती लॉक होता है, इस लॉक को भी निकाल लेना है, अलग रख देना है। अब इसके बाद ये क्लच स्प्रिंग, इसको आपको खोल के बाहर रख लेना है। अब यही होता है, ये क्लच को टाइट कम ज़्यादा जैसे टाइट करते हैं ना, तो यही काम करता है। अभी अब हमें इसको निकालना, इसको निकालें, यहाँ पे देखोगे एक लॉक होता है, ये लॉक को खोलेंगे जैसे ऐसे आप पेच की सहायता से ऐसे। हाँ ये देखो निकल गया। अब इस पर थोड़ा चोट मारेंगे किसी पतले चीज़ से, अभी पिन निकली नहीं, देखो पिन को फंसा लेना हल्का सा। ये देखो निकल गई और ये लॉक हमारी ये है, ऐसा लॉक इसमें लगा होता है, ये ही लॉक है। अब आपको जहाँ से लॉक निकालो ना, इस पर पेचकस से हल्का सा चोट मारोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये बाहर निकल गया है। अब इस हैंडल को आपको बाहर निकाल लेना है। ये ध्यान रहे कि हैंडल और इसका दोनों का आपस में होल और ये हैंडल इसी के अंदर घुसा रहता है ऐसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये निकाल लिया तो इससे क्लच को पूरा ही निकाल लेते हैं। तो आपको ब्रेक क्लच दोनों आज हम चेंज करना सिखाते हैं। निकल गया। अब देखिए यही हमारा नीचे साइड ये ब्रेक होता है। तो अगर आपके पास नया है तो नया डाल दें, और ना ही तो इसके ऊपर इसको रगड़ के जितना कार्क है कार्क रगड़ के एयर लाइट से आप इसको चिपका दें, चिपका के धागा से इसको बांध दें। धागा से बांधने में ये होगा कि आप इसको तत्काल लगा दें, 6-7 घंटे बाद आप यूज कर सकते हो। ये हमारा क्लच है, इसमें चारों इसको पेच खोलोगे और इसमें आपको क्लच लगाना है। तो चलो हम पहले क्लच लगा लेते हैं। ये यहाँ पे 10 नंबर की चाबी लगेगी दोस्तों, ध्यान रहे 10 नंबर की चाबी है ये। तो इस 10 नंबर की चाबी से हम इसको खोल लेंगे। लगभग सारे क्लच में ही 10 नंबर का ये चाबी हम लगाते हैं। अब इसके चारों बोल्ट इसके हमें खोल लेना है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अब बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसी ऐसी वीडियो बने सर्वप्रथम आप पर नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब ये खुल गया। खुलने बाद ये प्लेट है, प्लेट को बाहर निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा चिपक जाती है हल्का फुल्का, तो इसमें थोड़ा सा, हाँ ये प्लेट निकल गई। अब इसको बढ़िया से आपको साफ कर लेना है। देख लो कितना कचरा इसमें जम जाता है, साफ हो गया। अब इसके ऊपर हम जो हमारे पास प्लेट है, इस प्लेट को हमको लगा देना है। यही होता है क्लच, ये मोटर को चलाता है। इसका काम होता है
जब मोटर चलती रहती है तो ये जाके मोटर की पुल्ली पे सट जाता है, सटने के बाद फिर मशीन को ये स्पीड जल्दी घुमाता है और दूसरा ब्रेक का काम करता है, ये हमारा मशीन को घुमाने का काम करता है, इसको हम क्लच बोलते हैं। तो चारों को हमें लगाना है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि ये वाला जो क्लच प्लेट है यही वाला लें, क्योंकि ये किसी भी जुक्की कार के जो प्लेट होती है सब में ये कंप्लीट लग जाता है, किसी भी साइज का हो। तो इस साइज का जुक्की कार का प्लेट खरीदें, ये सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि किसी भी इसका जो होल होता है ना, चाहे चौड़ा हो लंबा हो या इस साइड कहीं भी साइड हो, तो चारों साइड से आसानी से इसमें हम लगा सकते हैं। अब ये लगाने के बाद आपको इसको फिर वही 10 नंबर की चाबी से इसको आपको टाइट कर देना है। टाइट करना ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं होता इसको। तो ऐसे ऐसे हम इसको कस के टाइट करते रहते हैं और इस प्रकार से ये टाइट हमें कर देना है। तो दोस्तों ये लगभग कहाँ से कस दिए हैं, बस अब चाबी से इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों का किसी भी चीज़ का जो आपके एक्सपोर्ट लाइन में यूज होते हैं उपकरण, उसको कोई वीडियो चाहे तो लेना। अब ये देखो यही ब्रेक होता है, तो हमारे पास पहले से ही हम इसको चिपका के रख दिए थे। अब ये लमसम 6 घंटे बीत चुके हैं तो ये सूख चुका है, अब इसको हम बैठा देंगे। उठाने बाद यहाँ पे एक चूड़ी होगी, इसको आपको कस के टाइट कर देना पड़ेगा कि ये ताकि ये सपोर्ट पे आ जाए, गिरे ना ये। इससे क्या होगा, सपोर्टिंग हो जाएगा ना, तो ये पकड़ लेगा। ये देखो यही है ब्रेक शू, और ये हमारे पास जुक्की कार्क रहता है, इसको हम चिपका देते हैं, जो निकालते हैं उसको हम बना के रख देते हैं। अब दोस्तों ये हम क्लच को पूरा इसके अंदर डालते हैं। ये ध्यान रहे कि जो इसका होल है, सुराग है, वो जैसे मैंने पहले बताया था उसी साइड इसको मिलाना है। तो एक बार इसमें हम थोड़ा सा तेल दे देते हैं, तेल और देने से क्या होता है ना कि जल्दी से अंदर ये चला जाएगा। तो जो इसमें ये देखो इसमें तेल ग्रीस कर दिया, अब ये होल यहाँ कट होगा, इस कट को आपको इस कट से यहाँ मिलाना है। ये देखो जैसे होल ये दिख रहा है ना, इसी होल को बस ये बैठ गया। अब आपको यहाँ पे हैंडल पे सर्वप्रथम अब आपको हैंडल लगानी पड़ेगी। हैंडल लगाने के लिए ये देखना पड़ेगा, जो हैंडल का ये होल है ना, इसी होल में आपको लगाना है। इसको होल को बिल्कुल सेंट्रल पे कर लें, ये देखो होल इसका सेंटर हो गया। अब आपको हैंडल का ये भाग इसमें घुसा देना है, जब ये घुस जाए ये, हाँ ये, और इसी के अंदर इसको आपको डालना पड़ेगा हैंडल का। एक तरफ से बुश होता है, इस बुश को इसके अंदर जब डालेंगे ना, अब ये घुस गया। अब इसमें जो लॉक पिन थी उस लॉक को इसमें लगा देना है,
चलो हम लॉक को डालते हैं। ये हमारे पास लॉक है, इसको हम इसमें पिन को डाल देते हैं, फिर इसमें हम लॉक लगा देंगे। अब इसको हल्का हल्का से, ये ध्यान रहे कि हैंडल का सुराग और इसका सुराग दोनों को आपस में मिलेगा तब ये लॉक इसमें जाएगा। तो देखो हमने इसको बिल्कुल बैठा दिया है, ये बैठ चुका है। अब हमें अगला क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे देखेंगे, अब हमें लॉक लगाना पड़ेगा इस पुल्ली का लॉक। ये पुल्ली का लॉक है, इस लॉक पे इस पे हमें खांचे पे कटा होता है, उस खांचे पे इसको हमको बैठा देना है। अब इसके बाद पुल्ली लगानी, पुल्ली की कौन सी साइड, जिस साइड का बेस चौड़ा हो। ये देखो यहाँ चौड़ा नहीं है, ये आगे साइड रहेगा, ये पीछे साइड रहेगा। इस पर चाबी का निशान होता है कि चाबी खोलने के लिए, तो हम इसको इस साइड में लाएंगे। लॉक का चाबी जो इसमें की है दोनों को आपस में मिलना चाहिए, खांचा इसका पुल्ली का खांचा और ये जो इसमें लॉक बैठा है इसको आपस में मिलेगा तब इसको आपको बैठाना है। तो दोस्तों हम देखो बैठा दिए, नट बोल्ट से बिल्कुल टाइट कर दिए हैं। अब अगला रह गया टेंशन स्प्रिंग। ये टेंशन स्प्रिंग का रॉड है, यही क्लच को ऊपर नीचे करता है। अब इसको इस साइड डालेंगे, उसके बाद स्प्रिंग लेना है, स्प्रिंग इसके अंदर ऐसे डाल देना है। अब यहाँ पे एक बोल्ट लगाना है, बोल्ट से ये पहले एक इसमें इस वार्सल लगा लेना है, फिर इसमें बोल्ट लगा के इसको, ये बोल्ट लगा के इसको हमें टाइट कर देना पड़े। तो दोस्तों ये देखो कर दिया, ज़्यादा आपको टाइट करना नहीं है, जितने पे आपका क्लच अप डाउन कर रहा है उतना ही करना है। ये ध्यान रहे, ज़्यादा टाइट करोगे तो दिक्कत होगी, कम टाइट करोगे तब दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कम्प्लीट हो गया है, देखो बिल्कुल बन के चल गया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 रुपये का खर्चा लगा, अगर आप दुकान पे जाते तो बहुत पैसा लग जाता, कम से कम 500-600 रुपये ले लेता, यहाँ तो मात्र 200 रुपये का कंप्लीट इसको कर देगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।